दल और मुख्य विपक्ष पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। बावजूद इसके कुछ अपनी ही पार्टी के प्रति नाराज होकर तथा कुछ समय के अभाव में नामांकन पत्र लेने नॉमिनेशन सेंटर पहुंचे और आज नॉमिनेशन के तीसरे दिन 168 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। वही 63 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर असीत जमाल ने तथा 1 नंबर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सोमनाथ चटर्जी ने नामांकन पत्र जमा किया। आज वार्ड नंबर 43 की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल आज हमने फॉर्म लिया है। बीजेपी की तरफ से लिए तो अभी तो प्रार्थी तालिका घोषणा नहीं हुई, तो फिर कैसे आप लोग? क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए आज हम लोग फॉर्म इसलिए लेकर रखे ताकि फिलअप करके जिस दिन नाम डिक्लेयर होगा हम लोग नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं आया, आपने फॉर्म फिला, अगर जिसको पार्टी देगी तो उसके लिए काम करेंगे या फिर? जरूर, निश्चय। मेरा पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन का पार्टी है और हम लोग सेवक भावना से लोकतंत्र में विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलते हैं। जिस किसी को भी पार्टी देगी हम भारतीय जनता पार्टी तैयार हैं, एक बीजेपी कर्मी बनकर हम उनको जिताएंगे। अच्छा, बोल रहे मैडम कि अगर आपको ही टिकट मिलती है, पिछली बार उस वार्ड में जीते थे तो लोग के काम अभी भी अधूरा है, तो उसको कैसे फिर समझाएंगे वोट के लिए? काम तो देखिए 106 वार्ड में ही अधूरा है क्योंकि TMC का बोर्ड था जिसमें बहुत सारे वादे किए गए थे कि 200 घर बनेंगे कम से कम 5 साल में, टारगेट दिया गया था शौचालय बनेंगे, पेंशन होगा 200, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बुनियादी सुविधा में भी जो नगर निगम जो बोर्ड है वो खरी नहीं उतरी है। और बात रहा वार्ड का, जिस आशा और विश्वास से जनता ने मुझे वोट दिया था, एक आशा जताया था, एक अपेक्षा कि एक सेवा का भावना, मैंने एक सेविका बनकर ईमानदारी से अच्छे से लोगों को काम करने की कोशिश की हूँ। मैं जानती हूँ 100% नहीं कर पाई, विपक्ष में रहते हुए मुझे कई सामना करना पड़ा, संघर्षों का सामना करना पड़ा, कई बार मुझे धमकियाँ भी मिली, प्रलोभन भी मिले, लेकिन मैं डरी नहीं और बिकी नहीं, क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता मेरे साथ, हमारे देवता तुल्य, हमारे जितना भी वार्ड की जनता है जो उनका साथ, उनका समर्पण आज मुझे शक्ति देती है सेवा करने का। अगर मुझे मौका मिला फिर से, मैं फिर से चाहूँगी कि जो हमारा बचे हुए काम है जो मैं नहीं कर पाई, मैं अगले 5 साल में उस काम को मैं करूँ, फिर मैं अपने जनता की सेवा में हमेशा प्रयासरत रहूँ 5 साल। कितना आशावादी है जीतने के लिए? पूरा 100% हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा ये गर्व नहीं, ये मेरा जो लोगों का प्यार, जनता का प्यार जो मैंने एक समर्पण भावना से किया है उसके आधार पर मैं बोल रही हूँ। मैं अभी भी जनता जनाना से अपील करूँगी कि फिर से इस बेटी को अगर मौका मिले तो आपकी सेवा में हमेशा प्रयासरत रहेगी। आपका नाम और परिचय? आशा शर्मा, वार्ड नंबर 43 की पूर्व पार्षद। किस पार्टी में एक बार हैं? पार्टी तो अभी हम पार्टी करते हैं, वो तो खैर हम बता नहीं सकते कि पार्टी करते हैं, एक पार्टी करते हैं, ठीक है, एक पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, और हम 80 नंबर वार्ड से खड़ा होना चाहते हैं। अभी देखें क्या हो रहा, नहीं होगा तो देखा जाएगा जैसा होगा, एक टिकट लेकिन खड़ा होगा। क्या उम्मीद है आपको? देखे कहाँ तक हो रहा, हाँ टिकट मिलेगा तब देखा जाएगा, नहीं होगा तो उसके बाद सोचा जाएगा। फॉर्म तो अगर टिकट नहीं दिया जाए तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं दिया जाए तो फिर सोचा जाएगा क्या करना है, जैसा होगा वैसा करेंगे, जो हम पार्टी करते हैं उसी का सपोर्ट करेंगे, यदि नहीं होगा जैसा तो वैसा सोचेंगे, अभी सोच नहीं सकते, हो सकता है पार्टी का सपोर्ट करें। वार्ड नंबर 25 आजाद उम्मीदवार। अभी तक तो नहीं था, अब होने जा रहा है। क्या उम्मीद है, जनता कितना पसंद करेगी आपको? देखिए आने वाला दिन बताएगा। मोहम्मद कुर्बान अली, वार्ड नंबर 25, इंडिपेंडेंट। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड आपको कुछ पता? हाँ, फाउंडर मेंबर तृणमूल कांग्रेस 98। टोटल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है लेकिन हमको इग्नोर किया गया। 98 से आज तक का जितना भी पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट सब में मेरा टोटल डॉक्यूमेंट मेरे पास है। दीदी का जो भी प्रोग्राम 2005 में हुआ था उस टाइम NDA था साथ में, उस टाइम भी डेलीगेट्स में थे, सब जगह थे, इग्नोर किया गया, इसीलिए इंडिपेंडेंस खड़ा हो रहे हैं। तो पार्टी आपको क्या लगता है, पार्टी आपको टिकट नहीं देगी? पार्टी का तो काम कर ही रहे, नहीं उम्मीद तो नहीं है, नहीं। बहुत से नए लोग आ गए हैं उनको चूज़ किया जा रहा, जो खून दिया उसके लिए कोई बात नहीं, हम लोग रात भर खटे, कोई था नहीं उस टाइम पार्टी करने वाला, 8-10 आदमी था पार्टी करने वाला रेलपाल में, हम भी उसमें थे। 25 क्या लगता है, जनता कितना पसंद करेगी? देखते हैं, हम तो काम किए हैं, जनता पसंद करे ना करे उनके पे। Oh, 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 oh